Hello, students. Let's read out the question first. A compound microscope uses an objective lens of focal length 4 cm and eyepiece lens of focal length 10 cm. An object is placed 6 cm from the objective lens. Calculate magnifying power of the compound microscope. Also, calculate the length of the microscope. फॉर दिस लेट सी द सोल्यूशन हियर तो सिंपली यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात हो रही है so उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो हम यूज करने वाले है दैट इज मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो क्या होता है माइनस ऑफ यूनो वीनोट बाई यू नोट इन ब्रैकेट वन प्लस कैपिटल डी बाई ऑफ ए ठीक है बस ये हम की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले है एंड uh, इसके साथ साथ हम मिरर uh, फॉर्मूले का भी यूज करेंगे दैट इज वन बाई वी नॉट माइनस वन बाई नॉट इज इक्व लेट इज स्टार्ट सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसके बाद उसकी लेंथ फाइंड करनी बट बिफोर ऑपरेट्स हमें गिवन क्या है सो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ गिवन है यानी मुझे एफ नॉट किसके इक्वल गिवन है फोर सेंटीमीटर के सिमिलरली जो फोकल लेंथ आई पीस है वो भी हमें गिवन है सेंटीमीटर और देखिए यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सिक्स सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस ठीक है सो so, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से गिवन है यानी कि मुझे यूनोट की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है सिक्स सेंटीमीटर के बट यहाँ पर ये कैसा होगा निगेटिव होगा बिकॉज इट इज ऑन लेफ्ट साइड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन राइट सो सिंपली हम मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला लगा देंगे बट बिफोर ऑफ दैट वी नीड टू फाइंड हि नॉट दैट इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस सो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे बाय यूजिंग नो दैट वन बाय नॉट इज इक्वल्स टू

वो हमें एक्चुअल में गिवन था इन ब्रैकेट वन प्लस न फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कैपिटल डी है ठीक है ये लेंथ कितनी होती है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर के इक्वल से यहाँ पर ये यह हो जाएगा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ई इज टेन सेंटीमीटर सो जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे सो हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर कितना आ जाएगा माइनस ऑफ सेवन के इक्वल टिंग दैट द इमेज इज इनवर्टेड न इन सेकेंड पार्टी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है दट इज आई पीस ऑब्जेक्टिव ठीक है सो so जनरली यहां से तो यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है कैपिटल डी अब वो कितनी है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ठीक है मैं सपोज कर लेता हूं यहाँ पे कहीं फोकस है राइट so, right? और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो u ऑफ e के इक्वल होता है तो so, जनरली मैं यदि बात करू यहाँ पर लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सो so, वो क्या है वो कैपिटल L है अब वो Uh, किसके को लोगी u नॉट प्लस बट यहाँ पे हमें पता तो पता है u of e पता है क्या नहीं so, let us first find u of e. so, इसके लिए अगेन हम मिरर फॉर्मूला लगा देंगे दैट इज वन बाई एफ ईज इक्व टू वन बायस वन बाय वॉन्ट टू फाइंड सो इट एज इट इज राइट हियर और ये किसके इक्वल हो जाएगा वन बाय वी ऑफ ए माइनस वन बाय एफ ऑफ ए के ना वी ऑफ ए क्या होगा एफ ऑफ ए e क्या होगा सो जनरली ये जो कैपिटल डी है वही हमारा क्या है वी ऑफ ए है दैट इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई बट वी ऑफ ए शुड बी माइनस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर बिकॉज इट इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस ओके सो so, यहाँ पर ये यह क्या होगा माइनस ट्वेंटी और एफ एफ ई तो हमें गिवन है सो so, कितना e e कितना है 25 FE कितना है ऑफ टेन सो जब हम इसे सिम्प्लीफाई करेंगे तो so ये कुछ माइनस ऑफ सेवन पॉइंट वन फोर सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा सो सिंपली बाय यूजिंग द अब कॉन्सेप्ट जो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो किसके इक्वल हो जाएंगी Modulus of V naught plus mod of u node, it will be quest to We naught have any calculate kia already, that is 12 centimeter, so it will be as it is plus minus of 1.14. So after adding it comes out 19.14 centimeter. Therefore, length of the compound microscope is 19.14 centimeter. And magnification power we have found by using the concept of mirror formula and magnifying power formula of compound microscope. So, this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.